एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्ट, ये एक बुद्धा चूज करना है, ठीक है ना। और हमारा आज का टॉपिक है यू वर्सेस देम, आपके पार्टनर और आप रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, ठीक है ना। मेरा ये आज का टॉपिक है। तो गाइस, यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, जैसे कि हो सकता है पार्टनर से सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो यहाँ पर आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली हम आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं और कैसे एक दूसरे के सामने बिहेव करते हैं, ठीक है ना, शो कर रहे हैं एक दूसरे को, ये देखेंगे। और ये वीडियो मैरिड और अनमैरिड कोई भी देख सकता है। एंड गाइस, सेकेंड थिंग, ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो ये 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी की यही और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड थर्ड थिंग्स की ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो हो सकता है जो एनर्जीज में यहाँ आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के पार्टनर की हो, और जो आप लोगों के पार्टनर के लिए पढ़ रही हूँ वो आपकी हो, क्योंकि मैं यहाँ एनर्जीज पढ़ रही हूँ एंड एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। गाइज, मैंने यहाँ पर दो बुद्धा रखे हैं, रेड बुद्धा एंड ग्रीन बुद्धा। एंड आप जिस भी बुद्धा से, जिस भी कलर से, जिस भी पायल नंबर से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने पार्टनर के बारे में आंख बंद करके सोचें और फिर आंख खोलकर देखें, ठीक है ना। आपको जो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे ही सेलेक्ट कीजिएगा। आप दोनों पाइल भी देख सकते हैं, जो ज्यादा रेजोनेट कर रहे हैं उसे ही अपना समझे। वैसे मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगी, ताकि आप सेलेक्ट की हुई पाइल पर आसानी से जा सके। और गाइस, आप चाहे तो पाइल जो है टाइम के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टाइम भी हमारी लाइफ में काफी रोल प्ले करते हैं। एंड गाइस, आप अपनी पाइल इंट्यूशंस को फॉलो करके और उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। तो ये है फर्स्ट पाइल रेड बुद्धा एंड द सेकंड पाइल इज द ग्रीन बुद्धा। चलिए मैं अब पहले फर्स्ट पाइल के लिए शफल करती हूँ, एंड मैं पहले एक साथ ही शफल करूंगी कार्ड्स, फिर उसके बाद मैं आपको रीड करके बताऊंगी, ठीक है ना। चलिए, एंड गाइस, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रे करते रहना है, क्योंकि प्रे बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डू ग्रेटिट्यूड, कनेक्ट विद योर यूनिवर्स एंड डू प्रे, ओके। पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, एंड देन ओवरऑल। Queen of Pentacles, your thought about your relationship. Your feelings about your relationship. आप कैसा फील करते हैं अपनी रिलेशनशिप के लिए. And your behavior in your relationship. मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं अपने पार्टनर को अपने रिलेशनशिप के लिए. आई होप आपको दिख रहे होंगे ना कार्ड्स. चलिए मैं ऐसे लगा देती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपको दिख भी जाएंगे कार्ड्स, ठीक है ना। तो ये है आपके कार्ड्स। चलिए अब आपके पार्टनर की फीलिंग निकालते हैं हम। योर पार्टनर थॉट्स अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है ना। योर पार्टनर फीलिंग्स अबाउट योर रिलेशनशिप, कैसा फील करते हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं एंड कैसे बिहेव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लिखिए, ठीक है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 of Wands, ये है आपका रिलेशनशिप का सब्जेक्ट, या ये समझिए ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ठीक है ना। ये हमारी रीडिंग है। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, गाइडेंस कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। चलिए, सो फर्स्ट इज कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब दिमाग से आप क्या सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। ये है पेंटिकल्स है टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आप अपने रिलेशन मतलब आपको ना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा ट्रस्ट इशू का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे इस कार्ड से। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई लेडी है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है ना। अब ये अफेक्ट ना पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको उस लेडी के बारे में ना
मतलब ऐसे नहीं पता चला है आपको, आप इस टैरो वर्ल्ड में जब से आए हैं ना, जब से आपने टैरो देखा है, देखना स्टार्ट करा है, आपको तब से उसके बारे में पता चला है, और आप इंट्यूशनली सोच रहे हैं, आपको इंट्यूशनली भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ आपके पार्टनर में कोई लेडी है, ठीक है ना, कोई मैच्योर्ड लेडी है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, तो ये कोई भी हो सकती है, कोई मैच्योर्ड है, मतलब उनकी लाइफ में आपको ऐसा फील हो रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना। एंड आपके पार्टनर ऑन द अदर साइड विद दिस सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वो एक्सक्यूज मी, वो इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, वो इस पे वर्क करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या उनसे मिस्टेक हुई, क्या उनसे प्रॉब्लम हुई, वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा वो सोच रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में हुई है आपके रिलेशनशिप में विथ दिस सेवन ऑफ पेंटिकल कार्ड। नाउ नेक्स्ट इज कि आप कैसा फील कर रहे हैं दिल से, ये तो आप दिमाग से सोच रहे हैं, यहाँ पे है कि आप दिल से क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। तो विद दिस जजमेंट कार्ड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अब एंड होने की कगार पर है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मुझे ना जजमेंट नहीं हुआ है, मतलब कोई सही इक्वल एंड बैलेंस नहीं हुआ है आपके रिलेशनशिप में, और आपको उस ऐसा लग रहा है कि मुझे जो में मेरे को कोई जजमेंट नहीं मिलेगा, मेरे फेवर में नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है, और उसके लिए ना आप मेंटली और मतलब मेंटली भी और आप मेटलिस्टिक वाइज भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं, आप अपने आप पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है ना, और आप हर पहलू को देख रहे हैं, इस वजह से देखना भी चाहते हैं और देख भी रहे हैं कि आप कहाँ पर फेल हुए, आपने क्या गलत किया, आपको मतलब कहाँ पे आप सक्सेस हो रहे थे, कहाँ आप फेल हो रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है, और आप इसी चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, मैंने बहुत दिया है और मेरे को उसके बदले में कुछ नहीं मिला है, आपको ऐसा फील हो रहा है विद दिस जजमेंट कार्ड कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है ना, फील कर रहे हैं आप दिल से, ऐसा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए, तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अभी भी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो भी फुल पैशन से और इमोशंस के साथ, खूब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली वो आपके साथ न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी, वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब वो ऐसा फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब आप कैसा उनके सामने बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसा इस रिलेशनशिप के लिए बिहेव कर रहे हैं आप विद दिस टू ऑफ कप्स, कप्स ये है आपका कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, तो आप ऐसा दिखा रहे हैं कि अगर आप दोनों, मतलब आप उनके सामने ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आप दोनों मिल जाओगे वापस से तो न्यू स्टार्टिंग हो सकती है, लेकिन आप अब चाहते हो कि अब रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, अगर कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो तो सामने वाला बंदा भी करे, इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हो कि मेरे साथ, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, और आप अभी भी यही बिहेव कर रहे हो, आप अपना कप ऑफर तो करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स ऑफर तो करना चाह रहे हो, बट उसके साथ ही आप ये चाह रहे हो कि मेरे मेरे को इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अदरवाइज
मैं इस रिश्ते में नहीं बढ़ूंगी विद दिस टू ऑफ कप्स कार्ड। वैसे ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपके पार्टनर आपको क्या दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो वो आपके पार्टनर ना काफ़ी मैच्योरली, मतलब मैच्योरली चीज़ों को संभाल रहे हैं, बट साथ ही वो लॉजिकली चल रहे हैं। मतलब उनके पा उनके देखिए ना, एक भी इमोशनल वाला कार्ड नहीं आया है। आपके में तो टू ऑफ कप्स आया है, बट वो ना बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ना मतलब कंफ्यूजन को हटाना चाह रहे हैं। जैसे आपको ये जो आप सोच रहे हैं उनके लिए, इस कंफ्यूजन को हटाना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं उन्हें हटाना चाहते हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है ना। मुझे ऐसा फील होता है। एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है ना। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैज, और मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद या आपके पार्टनर, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आ रही है, आप दोनों ना बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हो। आपको लग स्पेशली मुझे लग रहा है, मैं आपकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, कि आपको लग रहा है ना कि इस रिलेशनशिप को मुझे चलाना है, मुझे इसे, मतलब इसे मुझे छोड़ना नहीं है, लेट गो नहीं करना है, और उस वजह से आप काफ़ी ओवर बर्डन फील कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि क्यों नहीं चला ये रिलेशनशिप, क्या प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो इस चीज़ का। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे आपकी आपकी ही लग रही है कि टेन ऑफ वॉन्ट्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ऑफर करना चाहते हैं और वो इसके लिए वर्क भी कर रहे हैं। विद दिस सेवन ऑफ पेंटिकल कार्ड्स आपको ऑफर करना भी चाहते हैं और इस रिश्ते में क्लियरिटी भी लाना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं कि इस रिश्ते में आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तीन कार्ड्स हम निकालते हैं। वन कार्ड इज बियॉन्ड इल्यूजन, नंबर 20 मैच्योरिटी, एक सेकेंड मेरा एक कार्ड गिर गया है, एंड दिस वन इज कंडीशनिंग, ठीक है ना। तो आपके लिए यही आया है एडवाइस में कि आपको इस रिलेशनशिप को ना काफ़ी मैच्योरली डील करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकली चल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको भी इस सिचुएशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योरली ट्रीट करना होगा। आपको इल्यूज़न, मतलब लाइक आपने जो अपना ही एक इल्यूज़न बना लिया है ना कि ये थर्ड पार्टी हो सकती है या कुछ हो सकता है, उससे बाहर सोचना है, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा ना हो और आपने खुद ही इसे ऐसा इमेजिन कर लिया हो, तो आपको उससे बाहर सोचना है, या फिर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है आपको इस रिलेशनशिप से बाहर सोचना है, ठीक है ना। और तीसरा आपके लिए एडवाइस आई है कंडीशनिंग। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जो शायद आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो या फिर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हैं जिसके लिए आप शायद रेडी भी हो रहे हो, तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप उन सब कंडीशंस को या उन सब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने आप को नीचा मत गिराओ। आप अपने आप उठो और इस सिचुएशन को आप भी लॉजिकली ही डील करो, जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इमोशनली मत बहो, आप इस सिचुएशन को लॉजिकली ही डील करो, ठीक है ना। ये आपके लिए गाइडेंस आती है। चलिए अब आपके पार्टनर के हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं। मैं आज तीन कार्ड ही निकालूंगी आपके पार्टनर के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट कार्ड है आई मिस यू यार प्लीज कम बैक।
तो आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, शायद वो इसीलिए बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है ना। आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी, मैं आऊँगा, क्या आप मेरा वेट करोगे। तो वो आपके पार्टनर आपसे बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, और इनफैक्ट वो किंग ऑफ सोर्ड से भी हमें पता चल रहा है, वो बहुत क्लैरिटी लाना चाहते हैं सिचुएशन को, इस सिचुएशन को लेकर, और वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप मेरा वेट करोगे। तो आपको यहाँ पे आपको भी बहुत ज़्यादा लॉजिकली ही सोचना पड़ेगा, इमोशनली यहाँ पे आपका भी काम नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये थर्ड पार्टी है ना, तभी भी आपको बहुत लॉजिकली काम करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन को डील करने के लिए। आई नो यू आर द वन, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप ही एक अकेले हैं जिसे मतलब वो प्यार करते हैं। ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है ना। अगर आपको मेरी इस रीडिंग से कोई गाइडेंस मिलती है, कोई हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इसी के साथ मेरी ये रीडिंग होती है पूरी। तो थैंक यू, बाय बाय। हेलो पायल नंबर टू, तो जिन्होंने ये ग्रीन पायल सेकंड बुद्धा चूज़ किया था, अभी उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपकी आपके लिए तीन कार्ड निकालूंगी कि आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, और कैसे आप अपने पार्टनर के सामने इस रिलेशनशिप के लिए बिहेव करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैज, एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपके पार्टनर के लिए निकालती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड क्या वो आपको दिखा रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। The Devil, Knight of Swords, and Seven of Cups, and overall energy Ten of Pentacles. Capricorn, Gemini, Libra, and Aquarius, and Cancer, Pisces, and Scorpio, and Taurus, Virgo, and Capricorn. सबसे पहले हम आते हैं Ten of Pentacles. आपकी overall energy क्या है इस रिश्ते को लेकर? तो कहीं ना कहीं आप इस relationship में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक हैप्पी होम, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा मुझे कार्ड से लगता है। आप अपने पार्टनर के साथ ना कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। मुझे टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ लगता है कि आप उनके साथ स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट, एक होम चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी तो ये है। फिर विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे लगता है एक्सक्यूज मी, आप ना इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक लेना चाहते हैं, ठीक है ना। विद दिस फोर ऑफ कार्ड्स शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हों, और इसीलिए आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं। आपके हिसाब से ना आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी हार्ड टाइम चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग, जो आप सोच रहे हो, मेंटली सोच रहे हो, और आप इसीलिए ना बहुत ज़्यादा सोच सोच कर मेंटली सिक भी हो रहे हो, और इसीलिए अब आप चाहते हो कि मैं शांत रहकर नए तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करूं, ठीक है ना, ताकि आप अपने पार्टनर से ना कमिटमेंट ले सको। कुछ इस टाइप से आप एक ब्रेक लेना चाहते हो कि ताकि आप उनसे आपके पार्टनर आपको मतलब एक कमिटमेंट दें, आप ये चाहते हो, और इसीलिए शायद आप एक तरह से ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अपने पार्टनर को कि मैं आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, और कोई न्यू आइडिया सोच रहे हो कि अभी मैं कैसे उनसे कमिटमेंट ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, ठीक है ना। विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ऐसा लगता है। ऑन द अदर साइड विद दिस डेविल कार्ड, आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को एज अ फन लेकर चलना चाहते हैं, और शायद वो इसी वजह से ना इतना मतलब लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, और लेट गो भी कर रहे हैं। जितना आप सीरियस हो, जितना आप रेस्ट ले रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, बट वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फन में ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को।
ठीक है ना, वो ये सोच रहे हैं कि इस कमिटमेंट में आने या इस रिलेशनशिप में आने के बाद चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी जितना अभी अच्छा चल रहा है, ऐसा वो मेंटली सोच रहे हैं। ठीक है ना, आप क्या फील कर रही हैं विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स? आप ना, मुझे लग रहा है कि एज डिफरेंसेस भी है आप दोनों में ना, एज डिफरेंसेस भी मुझे काफ़ी लग रहा है विद टू पेजेस ना, आप लोगों में एज डिफरेंस भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना, आप अपने आप को काफ़ी एक्साइटेड रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खुश रहूं, हैप्पी रहूं, और आप मतलब पेशेंस है, पेशेंस भी है यहाँ पे, और आप पेशेंस भी दिखाना चाहते हो अपने पार्टनर को कि आप जैसे मैं इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप भी ऐसे ही बढ़ो मेरे साथ, ठीक है ना, और आप स्टेबल होना चाहते हो और आप ऑफर करना चाहते हो। साइलेंट ट्रीटमेंट तो दे रहे हो लेकिन फील, अंदर से फील कर रहे हो कि मुझे ऑफर करना है इनको, ठीक है ना, अपने पार्टनर को। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड? आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि वो ना बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे, और जैसे अभी चलता आ रहा है ना उसी हिसाब से आपको ये कन्विंस कर लेंगे, ऐसा मुझे इस कार्ड से लगता है। और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, और बहुत स्पीडली आना चाहते हैं ताकि आप ये जो जैसे उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते रहे हो ना, उसको तोड़ सके, उसे ब्रेक कर सके, और आप जो फील कर रहे हो उन्हें ऑफर कर सके, ठीक है ना, ऐसा वो करना चाहते हैं आपके साथ। विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड आप उन्हें ऑफर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा उनके सामने क्या दिखा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ना नीडी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बस आपका ये प्याला वो प्यार से भर दे, या आपको ऑफ़र करे, या आप उन्हें ऑफ़र करो, ऐसा आपको लग रहा है। आप अपने इमोशंस उनके सामने, अपने लव उनके सामने बयान करना चाहते हो विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। और ऑन द अदर साइड योर पार्टनर विद दिस सेवन ऑफ कप्स कार्ड ऑप्शंस देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं वो आपको नहीं देख रहे हैं, हो सकता है इन ऑप्शंस में आप हो लेकिन आप उनके ऑप्शंस में हो, आप तो उन्हें सिर्फ एक कप ऑफर करना चाहते हैं एंड वो और कप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और कप्स देख रहे हैं वो, ठीक है ना, विद दिस सेवन ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, तो आप जो उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे भी रहे हैं ना, उसका उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा उनके ऊपर उस चीज़ का, और जो आप ऑफर करना चाहते हैं उसका भी उन्हें, वो उस ऑफर को ना देखकर सेवन ऑप्शंस देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो दूसरा रिलेशनशिप ही देख रहे हैं, वो कुछ कोई सा भी ऑप्शन, बट वो आपको एज अ ऑप्शन रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ, वैसे मुझे कार्ड्स देखकर तो नहीं लगता कि आपको ऑफर करना चाहिए कुछ, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए तीन कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। चेंज, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ना चेंज तो लाना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है ना। क्लींजिंग टू द पास्ट, आपको पास्ट तो जितना आपके साथ हुआ है ना, ये नेगेटिव हुआ है, आपको ये सब भूलना पड़ेगा और अपने लाइफ में हार्मोनी लानी पड़ेगी, ठीक है ना, आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए 10-10 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10-10 आपका 3 times आया है, सी 10-10 एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी लाइफ में 10-10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 10 नंबर जो होता है बेसिकली कंप्लीट होने का भी होता है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है, इसीलिए आपके लिए ये आया है कि आपको इस पास्ट को, इसे पास्ट को भूलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और चेंज लाना है, ठीक है ना।
आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप स्टेबिलिटी, और आपको इस रिलेशनशिप में, आई डोंट थिंक सो कि आपके इस रिलेशनशिप में आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगी, तो आपको इसे यहाँ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए यही गाइडेंस आती है, ठीक है ना। चलिए आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस और देख लेते हैं हम। सेकेंड वन इज एंड थर्ड वन इज यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू। तो आपके पार्टनर को शायद ईगो प्रॉब्लम है और उन्होंने शायद आपको ब्लॉक फ्लॉक कर रखा है, तो वो आपसे बोल रहे हैं कि यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू। वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। आई हैव लुकड यू अप ऑनलाइन। वो आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं ताकि आप उनसे बात कर सकें करें, ठीक है ना। थर्ड वन इज़ आई एम वेटिंग फॉर यू। तो वो आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो इसीलिए वो आपका वेट कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा हो, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि आप लोगों से कितना रेजोनेट करी है। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, हिंदी टैरो डेक 222। बाय बाय।